गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने रोम पढ़ा है। फिर रोम के 3 टाइप्स होते हैं, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे डबल ईप्रोम। फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। इन दिस मेमोरी यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन इरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। मतलब कि इसमें इस मेमोरी में आपका EEEPROM मेमोरी में आपका जो यूजर या मैन्युफैक्चरर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन वो राइट कर रहा है उसको वो इरेज भी कर सकता है, उसको चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ओके, तो नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उसको हम इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम में जो भी मैंने हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी प्रोग्रामड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हो जाएगा, इफ देयर इज एनी error in writing the instruction with the help of if there is any error in writing the instruction, the user can erase the content electronically. मतलब कि अभी मैंने बताया, इसमें कोई भी अगर एरर होगा आपका, जो भी इंस्ट्रक्शन हम राइट कर रहे हैं या डेटा हम राइट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो यूज़र है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली उस कंटेंट को इरेज कर सकता है अगर कोई भी एरर आया तो। यही देखिए आपका इसमें क्या था, प्रोम में क्या था कि अगर एक बार हम लोगों ने लिख दिया तो एक बार, मतलब कि इसमें एक बार एक ही बार लिख सकते हैं। मैंने लिखवा था यूज़र कैन राइट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन इट ओनली वंस, एक ही बार लिख सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट कहा गया था ई प्रोम, इसमें हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसमें यूज़र क्या कर सकता है कि न्यू प्रोग्राम इसमें लिख भी सकता है। फिर डबल ई प्रोम आया कि इसमें अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक पल्सेज यूज़ करके जो भी मिस्टेक हुई है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें हो जाएगा द कंटेंट ऑफ ईप्रोम। अभी मैंने जस्ट बताया कि मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द कंटेंट ऑफ ईप्रोम कैन बी modified easily ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे RAM। ठीक है, रोम डिस्कस कर चुके हैं, RAM फुल फॉर्म आई थिंक पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो रोम के बारे में बताया था कि वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं रैम
इज अ वोलाटाइल मेमोरी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंड लिख सकते हैं द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रैम इज हाई। इसमें ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है रैम में बहुत हाई होती है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर हमें डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है तो हम एक उससे ज़्यादा कर सकते हैं। रैम इज़ द, तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि रैम इज़ द फास्टेस्ट एंड कूलेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो रैम इज़ द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीएस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कॉस्टली भी होगा, ऑब्वियस ही बात है, स्टोरेज कैपेसिटी अगर इसकी हाई है तो वो कॉस्टली भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ले सकते हैं, इट इज अ रीड राइट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब इसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में क्या था, उसमें हम केवल रीड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस हम एक ये भी एक मिल गया, एक नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल एक डिफरेंस मिल गया, एक ये डिफरेंस मिल गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।